तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेल्थ टिप्स की। आजकल देश के अंदर दिल के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, केवल बड़े ही नहीं बल्कि कई बच्चों के अंदर भी हृदय रोग पाए जाने लगे हैं। तो लगातार बढ़ती हुई इस दिल की बीमारी से कैसे बचा जाए और इसके लिए क्या हमारे साथ होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए इसे बचने के लिए, तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हृदय रोग के विशेषज्ञ और पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल जी। और हमारे संवाददाता तरुण शर्मा ने इस वक्त उनसे हृदय रोगों के बारे में कुछ खास बातचीत की है, उसके अंश देखिए। गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं तरुण शर्मा और आज हम बात करेंगे हृदय रोग की। हृदय रोग जो कि इन दिनों बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, सबके अंदर पाया जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अग्रवाल से, जो कि पद्मश्री से भी सम्मानित हैं। के जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहेंगे हृदय रोग क्या है। सी, हृदय रोग जो आम जनता जब बात करती है तो वो ब्लॉकेजेस की बात करती है। मेरा हार्ट चार चैम्बर का बना हुआ है, तो चार कमरों का बेडरूम है, चार कमरों का हाउस है। इसके अंदर में इलेक्ट्रिकल सिस्टम है और इसके अंदर में प्लम्बिंग सिस्टम है। अगर प्लम्बिंग सिस्टम में मेरे ब्लॉकेज हो जाए तो उसे बोलते हैं कि कोरोनरी ब्लॉकेजेस हैं, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में खराबी हो जाए तो पेसमेकर लगता है। तो आम आदमी जब हार्ट के बारे में बात करता है तो प्लम्बिंग सिस्टम की बात करता है कि मेरे हार्ट का जो प्लम्बिंग सिस्टम है उसके अंदर में जो फ्लो है वो नॉर्मल है कि नहीं है, उसके अंदर में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। हृदय रोग से क्या बचा जा सकता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि मैं सब लोगों को सिखाता हूं कि अगर कोई मर जाए तो मरने के बाद में आप उसको जिंदा कर सकते हो। तो दूसरा सवाल ये आता है, मरूं क्यों मैं, मेरे को कैसा पता लगेगा कि मैं मरने की संभावना मेरी है कि नहीं है? तो उसका एक सिंपल आंसर है, उसका सिंपल आंसर है कि आप रोजाना 6 मिनट चल के देखो। अगर आप 6 मिनट में 200 मीटर नहीं चल सकते, 200 मीटर का मतलब हो गया करीबन 600 फुट, अगर आप 6 मिनट में 200 मीटर नहीं चल सकते तो आप टोटली अनफिट हो, अपने डॉक्टर से बात करो। आप हवाई जहाज में नहीं जा सकते, आप वैष्णो देवी नहीं जा सकते, आप अमरनाथ की यात्रा नहीं कर सकते, आप कैलाश मानस सरोवर नहीं जा सकते, आपको फिटनेस लेवल आपका लो है। अगर आप 300 मीटर यानी कि करीबन 1000 फीट के करीब अगर आप चल लेते हो तो 200 और 300 फीट वालों को डॉक्टरी सलाह की जरूरत है, उनको मेडिकेशन की जरूरत है। लेकिन अगर आप 500 मीटर चल लेते हो यानी कि 1500 फीट, जो लोग 6 मिनट में 500 मीटर चल लेते हैं या 1500 फीट चल लेते हैं उन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस 500 मीटर में ना उनका सांस फूलता है, ना छाती में दर्द होता है, ना कोई तकलीफ होती है, वो परफेक्टली फिट हैं। उन्हें हवाई जहाज में जाने में कोई डॉक्टरी सलाह की जरूरत नहीं, वो अमरनाथ की यात्रा में जाना चाहें तो वो जाएं। तो आम आदमी को कैसे पता लगे, चेक करके देख लो 6 मिनट के अंदर में। तो कैसे नापोगे, आप एक इंची टेप लो और 50 फीट के 2 निशान लगा लो, एक निशान लगाओ और 50 फुट दूर एक निशान और लगा लो, और फिर 6 मिनट पर चक्कर लगाओ उसके, जितने चक्कर लगाए उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता लग जाएगा कितने फीट हैं। 1500 फीट अगर आप चलते हो तो बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मली इसका भी एक और रफ फार्मूला था कि अगर आप 2 मंजिला सीढ़ियां चढ़ते हो बिना किसी तकलीफ के, या आप 2 किलोमीटर पैदल चल लेते हो बिना किसी तकलीफ के, तो अब इसका सिंप्लीफाई कर दिया है 6 मिनट वॉक टेस्ट, कि 6 मिनट में आपकी एफर्ट टॉलरेंस कितनी है। अगर 6 मिनट में आपकी एफर्ट टॉलरेंस 1500 फीट से ज्यादा है तो आप नॉर्मल हो। तो उन लोगों के लिए जिनको डर लगता है मुझे हार्ट अटैक तो नहीं होगा, मुझे सडन डेथ तो नहीं होगी, उनके लिए टेस्ट है। 6 मिनट में अगर आप 1500 फीट चलते हो यू आर परफेक्टली ऑल राइट। उसके साथ एक सिंपल तरीका है इस बात को जांचने का। और अगर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं और मैं साथ में चाहता हूं कि मुझे हार्ट अटैक ना हो, या आपको पैरामीटर्स निकल के आए कि आपको हार्ट अटैक होने की संभावना है, तो 80 का फंडा याद रखें। 80 का फंडा क्या है कि दिल की धड़कन, नीचे का ब्लड प्रेशर, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, फास्टिंग शुगर और पेट की चौड़ाई 80 से कम रखें। इसके लिए लंग कैपेसिटी 80 से ज्यादा रखें, 80% से ज्यादा, किडनी फंक्शन 80% से ज्यादा रखें। दिन भर में 80 मिनट चले, एक हफ्ते में 80 मिनट तेज चले, 1 मिनट में कम से कम 80 कदम चले। एयर पोल्यूशन PM2.5 को 80 से कम रखें, PM10 को 80 से कम रखें। नॉइस पोल्यूशन को 80 से कम रखें। साल में 80 दिन अनाज ना खाएं, साल में 80 दिन धूप में बैठें। उसके अलावा आप सिगरेट ना पिए, 80,000 रुपए का ऑपरेशन हो जाएगा हार्ट का। शराब ना पिए, पिए तो 80 ml से कम। ये सब अगर आप करते हो तो 80% चांसेस है आप मरोगे नहीं,
आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। हार्ट अटैक हो गया तो 80 मिलीग्राम एस्पिरिन और 80 मिलीग्राम एट्रोवास्टैटिन खाओ तो मरोगे नहीं, मर भी गए तो कोई आदमी सीपीआर 10 करके 80% चांसेस हैं कि आपको बचा देगा। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो कि मेरे को हार्ट अटैक ना हो और मैं ना मरूं। सिंपल शब्दों में जो आपने बात कही कि आपको फिजिकली एक्टिव अपनी ज्यादा रखनी है, धूम्रपान से बचना है और कम से कम ज्यादा से ज्यादा वॉकिंग भी करें। जितना आप वॉक करेंगे एक मिनट में 80 कदम और हफ्ते के अंदर में 80 मिनट वॉक आपकी बहुत जरूरी है। जहां मौका मिला आप वॉक करो और याद रखिए अगर आपको जेके न्यूज का ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो 80 लोगों को इसके बारे में बताना ना भूलें। एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जो लोग आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से उनको क्या कुछ आप हेल्थ टिप्स देना चाहेंगे इस बारे में? हर आदमी पैदा हुआ है 100 साल जीने के लिए और 100 साल तक अगर आपको जीना है तो प्रकृति के नियमों का पालन करो और सीखो हार्ट अटैक से कैसे बच सकता है। जितना आप एक नेचुरल जिंदगी व्यतीत करेंगे उतने चांसेस हैं कि आप अपने लिए कमाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुनी डॉक्टर के अग्रवाल की ये सलाह, अगर आप भी हार्ट की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो इन सलाहों को जो है अमल में लें। हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम को दिखाने का यह है कि आप लोग स्वस्थ रहे, परिवार आपका खुश रहे। इस और कैमरामैन विजय के साथ तरुण शर्मा, JK 24/7 न्यूज दिल्ली।